हाइपर थायरॉयडिज्म, मतलब जब ज्यादा T3 T4 है, हाइपर थायरॉयडिज्म इज इंडिकेटेड बाय लो TSH इन ब्लड एंड हाइपो थायरॉयडिज्म। ब्रैकेट में लिख लो, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? लो T3 एंड T4 इन ब्लड, लो T3 एंड T4 इन ब्लड इज इंडिकेटेड बाय हाई कंसेंट्रेशन ऑफ TSH इन ब्लड। हाई कंसेंट क्योंकि बेटा अगर ब्लड में लो T3 एंड T4 है तो वो क्या करेंगे, वो जाके हाइपोथैलेमस को कहेंगे भी ब्लड में है नहीं थायरोक्सिन, चाहिए है बॉडी को, कुछ करो, है ना। और थायराइड क्या करेगा, TSHRH सिक्रीट करेगा, TSHRH पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो पिट्यूटरी TSH सिक्रीट करेगा। बट बहुत सारा पिट्यूटरी जरा बहुत ज्यादा TSH बना रहा है, बट थायराइड ग्लैंड जो है वो काम नहीं कर रही, उसके बहुत सारे सेल्स बेचारे मर चुके हैं किसी भी कारण से, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा काम ही नहीं कर पा रही, है ना। तो पिट्यूटरी जो है TSH ज्यादा 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 भी आए, करो करो, शायद मेरी कमी रह गई है, थायराइड को कहता है कर, थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर कर कर, पर थायराइड कर नहीं पाती। इसलिए ब्लड में TSH ज्यादा होता है बट थायरोक्सिन कम होता है, क्योंकि लो थायरोक्सिन रेगुलर मैसेज भेजता है। इज इट ओके? तो अब ये कंडीशन ऑपोजिट है, अगर हाइपर थायरॉयडिज्म है तो TSH कम होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो TSH ज्यादा। अब बोलो स्मृत, एनी डाउट? मैम हाइपर लो हाइपर नहीं, टीएस फोर है। हाइपर का तो मतलब ज्यादा है, बट क्या ज्यादा है? T3 T4, ओके मैम, ठीक है। वो कहता है कि अब ज्यादा स्टिमुलेट मत करो क्योंकि मैं बहुत हूं पहले से ही, तो वो ज्यादा स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट का आपने क्वेश्चन भेजा है जी, डैश लोब ऑफ पिट्यूटरी इज अंडर न्यूरल रेगुलेशन, पोस्टीरियर लोब, बिल्कुल ठीक है। हाइपोथैलेमस अफेक्ट्स ग्रोथ ऑफ बॉडी बाय सिक्रीटिंग सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन एंड सोमेटोस्टेटिन, बिल्कुल ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट प्राइमरी मैसेंजर दैट इज हॉर्मोन्स बाय दे आर कॉल्ड बिकॉज दे इंक्रीज और डिक्रीज द रिएक्शन इन बॉडी। आप यहाँ पे ये कर सकते हो, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मैसेंजर्स बिकॉज, लिख लो, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मैसेंजर्स बिकॉज दे आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ टारगेट सेल्स, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ टारगेट सेल्स बाय आइदर इनहिबिटिंग और प्रमोटिंग, बाय आइदर इनहिबिटिंग और प्रमोटिंग द फंक्शंस ऑफ द टारगेट सेल्स। सो दे टेक मैसेजेस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट सेल्स, दे टेक मैसेजेस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट सेल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मैसेंजर्स। तो ये पूछा गया है कि हाइपोथायरॉयड पेशेंट जो है ओबीस क्यों है और एनीमिक क्यों होते हैं, है ना। आपने थोड़ा सा ठीक लिखा है, थोड़ा सा गड़बड़ है। हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स ओबीस मोटे क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव लो BMR एंड दस देयर इज मोर डेपोजिशन ऑफ फैट्स, ठीक है। एंड दे आर जनरली एनीमिक बिकॉज थायरॉयड हॉर्मोन्स हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ RBCs ऑल्सो, बिकॉज थायरॉयड हॉर्मोन्स हेल्प्स इन
formation and maturation of RBCs. हाँ जी, next आ जाता है difference in diabetes mellitus and diabetes insipidus. तो diabetes mellitus में urine has glucose and diabetes insipidus में there is no glucose in the urine. This is absolutely correct. And diabetes insipidus में there is excessive urine formation. There is excessive dilute urine formation. और ऐसा कुछ भी diabetes mellitus में नहीं है. Calcitonin is antagonistic to PTH. बिल्कुल ठीक है. Aldosterone बिल्कुल ठीक है. Because there is brain which also secretes these hormones. बिल्कुल ठीक है. Because neural tissue also secretes adrenaline and noradrenaline. And last आ जाता है cortisol. Very good, very good. तो हमने बेटा शुरू किया था पैनक्रियास. पैनक्रियास कहाँ पे पड़ा है? ये स्टमक है. एंड इफ दिस इज ड्यूडेनम, मैंने थोड़ी सी बड़ी करके दिखा दी. तो यहाँ पे इसके लूप में अ लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर, लीफ की तरह से है. दिस इज पैनक्रियास. And you know, बीच में ये जितना है, this is endocrine part, और ये बाहर जो है, this is exocrine part. Which secrete pancreatic juice, that is exocrine part, and which secrete pancreatic hormones such as insulin, glucagon, that is endocrine. ठीक है, exocrine part formed of acini cells. दूसरा secrete पैनक्रियाटिक जूस. विच इज फोर्ड इन ड्यूजिनम थ्रू डक्ट है. कौन सी डक्ट हमने की हुई है? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. बिल्कुल ठीक. क्योंकि ये जूस जो है वो डक्ट के थ्रू अपने टारगेट में जा रहा है. दैट इज व्हाई इट इज एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट फॉर्म्ड ऑफ आइल्स ऑफ लैग्रहेंस. ये सेल्स का नाम है. ठीक है, secrete pancreatic hormones which are poured in blood. And jo blood hai, blood transport
these hormones to target cells, जहां पे इन्होंने एक्ट करना. पहले ध्यान से सुनना. उसके बाद आ जाता है बेटा, अब हम मेनली बात कर रहे हैं आयंस ऑफ लिगेंड्स. यहां से डायग्राम से दिख रहा है प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द पैंक्रियास. प्रेजेंट इन द इनर पार्ट. पैंक्रियास. और अगर इनका टोटल नंबर देखा जाए, दे आर अबाउट 1 to 2 million सेल्स है इनका. नंबर कितना है? दे आर 1 to 2 million. बट आप देखोगे कि बहुत सारे हैं, बट स्टिल विच फॉर्म ओनली 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू. इसका मतलब ये आ जाएगा कि जो 98 मिलियन, अगर हम 100 मिलियन तकरीबन है, तो 98 मिलियन सेल्स जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट बना रहे हैं, राइट? तो देयर आर अबाउट 98 to 100 मिलियन सेल्स इन पैनक्रियास. इनडायरेक्टली ऐसे पता चल रहा है, जिसमें से 98% जो सेल्स है वो क्या बना रहे हैं? एक्सोक्राइन पार्ट बना रहे. ओके, टाइप्स कितनी है? अल्फा सेल्स, एक मिनट बेटा, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स. ध्यान से देखिए, अल्फा सेल्स सिक्रीट हॉर्मोन्स कौन से हैं? ग्लूकेगॉन. बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन. डेल्टा सेल्स सिक्रीट सोमेटोस्टैटिन एंड this is pancreatic polypeptide. अभी पहले फंक्शन सुन लो, फिर हम आगे काम करेंगे. ग्लूकेगॉन. ग्लूकेगॉन कब सिक्रीट होता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो. हम 2-3 दिन फास्टिंग पे चले गए, कुछ नहीं खाया हमने, तो जिसके कारण ग्लूकोज लेवल कम हो गया. In that case, alpha cells gets activated, secrete glucagon. Glucagon कहाँ पे act करता है? हमारे hepatocytes पे, liver cells पे act करता है, क्योंकि liver में glycogen है, reserve food है हमारा, ठीक है? So glucagon act on liver cells and they stimulate breakdown of, you know, glycogen, glycogenolysis. अभी लिखाऊंगी मैं, सुन लो. Breakdown of glycogen. और ग्लाइकोजन किसका बना होता है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से ग्लाइकोजन बना है. तो वो जो बॉन्ड थे ग्लूकोज में, वो टूट गए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्लड में चले गए, दस इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल. तो जनरली अगर हम सिंपल कहें, ये नहीं कि हाइपर ग्लाइसीमिया डिजीज हो गया, नहीं, बिकॉज ग्लूकेगॉन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिक हॉर्मोन, ठीक है? जबकि जो ग्लूकेगॉन है, मेरा मतलब, बिकॉज दे इंक्रीजेस यू नो ग्लूकोज लेवल. दूसरी बात एक और आ जाती है, क्योंकि ब्लड में जो है ग्लूकोज कम है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के बना दिया, और दूसरा उसने और क्या किया ग्लूकेगॉन ने? दे प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज by the breakdown of
fats and proteins. Proteins और fats को भी तोड़कर क्या बना देता है? Glucose बना देता है. ठीक है? और तीसरा function है glucose reduces cellular glucose uptake. देखो एक तो ध्यान से अब ये देखो ना कि ये हार्मोन कोई बहुत अच्छा नहीं है. ठीक है ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है बट ये सेल्स को भी ग्लूकोज नहीं लेने दे रहा. वो कहता है ब्लड में ग्लूकोज सफिशियंट हो सेल्स जाए हार्ट में. दिस इज बैड. ठीक है एक तो सेल्स को मिल नहीं रहा ग्लूकोज. ऊपर से कहते हैं पहले ब्लड में सफिशियंट हो जाए. सो ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड दस इंक्रीजेस यू नो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन. और बेटा इसने ग्लूकोज बढ़ा दिया बट साथ में इंसुलिन भी चाहिए है क्योंकि सेल्स जो है ग्लूकोज कैसे लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन. ठीक है तो बीटा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन कर रहे हैं और इंसुलिन मेजर ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन है. ग्लूकेगॉन नहीं है मेजर ये तो चलो छोटा सा हार्मोन है बट इंसुलिन इज द मेजर ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन या इट हेल्प्स इन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस. ठीक है और इंसुलिन जो है दो सेल्स पे काम करता है. कब कहां पे काम करता है लिवर सेल्स एंड यू नो टिश्यूज ऑफ सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज पर. लिवर सेल्स एंड एडिपोज सेल्स इन पे काम करता है. एडिपोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट्स पे काम करता है. और क्या करता है पहला काम है इट प्रमोट्स सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. इंसुलिन की प्रेजेंस में सेल्स ग्लूकोज को लेते. दूसरा अगर ब्लड में इंसुलिन कम हो जाए तो वो क्या करते हैं वो एक्सेस ग्लूकोज को लिवर में लेके जाता है एडिपोसाइट्स में लेके जाता है वेयर एक्सेस ग्लूकोज गेट्स चेंज्ड इनटू ग्लाइकोजन. इसलिए सेल्स में भेज रहा है ग्लूकोज ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में तो ब्लड में ग्लूकोज को वो कम कर रहा है. दैट इज व्हाई इंसुलिन इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन. एंड एक और चीज है इट इनहिबिट्स ब्रेकडाउन ऑफ यू नो अमीनो एसिड्स एंड यू नो फैट्स एंड प्रोटीन उनकी ब्रेकडाउन को भी इनहिबिट करता है. इसलिए हम इंसुलिन को एनाबोलिक हार्मोन भी कहते हैं. इज इट ओके. उसके बाद सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ को भी कम करता है. इट ऑल्सो इनहिबिट्स अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स एंड पीपी सेल्स पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स. दे इनहिबिट एसिनाई सेल्स टू सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस. तो ये फंक्शन है जी पेनक्रियाज के डिफरेंट हॉर्मोन्स राइट. तो पहले जो है आप ये लिख लो फिर मैं आगे बताऊँ. नेक्स्ट आ जाइए फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक हॉर्मोन्स. फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक हॉर्मोन्स फर्स्ट है ग्लूकेगॉन. इसका फर्स्ट पॉइंट है पेप्टाइड हॉर्मोन. पेप्टाइड या प्रोटीन हॉर्मोन एक ही बात. फर्स्ट इज पेप्टाइड हॉर्मोन. सेकंड है टारगेट सेल्स आर हेपेटोसाइट्स. टारगेट सेल्स आर हेपेटोसाइट्स. नेक्स्ट है कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसीमिक हॉर्मोन. हाइपर मीन्स ज्यादा. ग्लाइसीमिक से मतलब है ग्लूकोज का. बिकॉज इट इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. ठीक है. When secreted, मतलब when it is secreted, इसके लिख लो आगे लिख लो. It is secreted when glucose level decreases below normal. It is secreted when
glucose level in blood decreases below normal. Next है action, कैसे act करती है. First है glycogenolysis. First is glycogenolysis, that is breakdown of reserve glycogen into glucose, या stored glycogen, breakdown of stored glycogen into glucose. Second है reduces cellular uptake of glucose, reduces cellular uptake and utilization of glucose. Our third है gluconeogenesis. Gluconeogenesis, इसके आगे लिख लो, that is promotes formation of glucose. Promotes formation of glucose by breakdown of fats and proteins. ठीक है, इस तरह से ये एक्ट करता है, इसलिए ये हाइपरकैल्सेमिक. नेक्स्ट आ जाइए इंसुलिन. Again, first point, peptide hormone formed of two polypeptide chains A and B. Second, आ जाता है when secreted. It is secreted when blood glucose level, is more than normal. Next है target cells. इसमें लिखिए hepatocytes and adipocytes. Next है course of action. First है, it enables cells to uptake the glucose. It enables cells to take up glucose from blood. Second है, it converts excess of glucose. into glycogen, which is stored in liver and muscles. Third आ जाएगा, it inhibits breakdown of proteins
and fats. And thus called as anabolic hormone. Next, are you? Thus called as anabolic hormone. Insulin decreases blood glucose concentration. Insulin decreases blood glucose concentration and thus called as hypoglycemic hormone. Hypoglycemic hormone. और जहां पे आपने लिखा है ना converts glucose to glycogen, bracket में लिख लेना glycogenesis. Glycogenesis. और next paragraph में लिख लो insulin and glucagon are antagonistic, opposite in action. Insulin and glucagon are antagonistic hormones. Next आ जाता है hyposecretion of insulin. Hyposecretion of insulin. Diabetes mellitus और hyperglycemia. Hyperglycemia. Mainly caused due to lack of insulin. Hypersecretion of glucagon nahi. Mainly caused due to deficiency of insulin. Theek hai ji? Symptoms aa jaiye. First है loss of glucose through urine. Loss of glucose through urine, which is accompanied by loss of water also. Glucose के साथ साथ बेटा पानी भी, क्योंकि glucose solute है, उसके साथ पानी भी lose होगा. Thus causing polydipsia. Polydipsia होता है excessive thirst. Polydipsia. Second आ जाइए. Lack of insulin causes breakdown of fats to form acidic ketone bodies. Lack of insulin causes breakdown of fats which leads to formation of acidic ketone bodies. Which are harmful. और ब्रैकेट में इसको क्या बोल देते, किटोसिस. ब्रैकेट में लिख लो किटोसिस, KETOSIS. थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन सेल्स आर अनेबल टू अपटेक द ग्लूकोज. Therefore, the person becomes weak. क्योंकि glucose नहीं ले पाएंगे cells, respire कैसे करेंगे, energy कैसे produce होगी. Therefore, person becomes weak. और next paragraph में कर लो, diabetic patients are
successfully treated with insulin therapy. Successfully treated with insulin therapy. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा गोनैड्स. अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए. एज स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना. एज पेनक्रियाज आर बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, देयरफॉर इट इज ए हेटरोक्राइन और कॉम्पोजिट ग्लैंड. एक ही बात है. Therefore, it is heterocrine or composite gland. उसके बाद हमने एक ये भी पॉइंट्स लिखने थे. नेक्स्ट आ जाइए डेल्टा सेल्स. डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट somatostatin which inhibits alpha and beta cells. और उसके बाद है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. दे इनहिबिट एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ पेनक्रियास. ठीक है जी. अब हम आ जाते हैं बेटा गोनैड्स. गोनैड्स में सेक्स ऑर्गन्स. ऊपर लिखो गोनैड्स, सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड ओवरीज. पहले हम बात करते हैं टेस्टिस. ये टेस्टिस है. बिल्कुल इसके साथ ही दिस इज एपिडिडिमस. और एपिडिडिमस से ये वास डिफरेंस यहां पर ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है टेस्टिस की. ईच टेस्टिस दे आर डिवाइडेड इंटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ये सारे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है या लोब्स है आप कह सकते हैं. हर लोब में क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट. ठीक है, ये बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. इस तरह से जैसे किडनीज वाला काम है ना बेटा, वही है. यहां से निकले ये है वसा एफरेंशिया. इन्होंने आपस में एक नेटवर्क बना लिया ट्यूब्यूल्स का. दिस इज रेटिटेस्टिस.
या एक मिनट यहाँ पे बात है फ्रेंडशिप, ये ट्यूब्यूल्स निकले और इन्होंने आपस में रेटे टेस्टिस बनाए, इन्होंने ये सारे फ्यूज करके ये सारे एक नेटवर्क है रेटे टेस्टिस, फ्रॉम रेटे टेस्टिस देयर अराइज ये वासा फ्रेंडशिप। ये वासा फ्रेंडशिया निकल के इन्होंने फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज एपिडिडिमस, और एपिडिडिमस में से यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर निकल के क्या बना दिया, वास डिफरेंस। अगेन मैं बता रही हूँ ये टेस्टिस है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, दिस इज रेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, दिस इज एपिडिडिमस, और एपिडिडिमस में से क्या निकल रहा है, दिस इज वास डिफरेंस। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल अगर हम देखें तो हर ये है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, हर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कितने, दो से तीन, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, विच फॉर्म द स्पोर्स, एंड इन बिटवीन दिस इज स्ट्रोमा या इंटरस्टिशियल टिश्यू, स्ट्रोमा या इंटरस्टिशियल टिश्यू, टिश्यू है बेटा, बहुत सारे सेल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं इन द स्ट्रोमा या इंटरस्टिशियल टिश्यूज में, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है formed of germinal epithelium and Sertoli cells. ये जो है ये germ cells है और ये specialized से modified cells है Sertoli cells. Is it okay? ठीक है, और जो ये interstitial cells है they are acted upon by ICSH and they secrete
एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. जो जर्म सेल्स है दे फॉर्म स्पर्म्स, और जो सर्टोली सेल्स है दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स. तो जो टेस्टिस है, ध्यान से, ह्यूमन टेस्टिस, पेयर्ड है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है. मेल्स में आपको पता है कहां पे प्रेजेंट होती है टेस्टिस? लेग्स के बीच में, सैक होती है स्क्रोटम, उसके बीच में टेस्टिस प्रेजेंट है. सो दीज आर यू नो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस. दे हैव ड्यूअल फंक्शन. क्या ड्यूअल फंक्शन है? फर्स्ट है फॉर्म मेल गैमेट्स, सेकंड है एंडोक्राइन फंक्शन एज इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन. और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? मैच्युरेशन ऑफ स्पर्म्स. दूसरा, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर. ठीक है, वो मैं बताऊंगी, पहले आप ये बनाएं. फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन फर्स्ट है, फर्स्ट इज मैच्युरेशन ऑफ मेल गैमेट्स या मैच्युरेशन ऑफ स्पर्म्स. प्रभजोत बस 2 मिनट बेटा. ओके मैम. नमस्ते मैम. नमस्ते बेटा. सेकंड आ जाता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मेन तो है टेस्टिस, बाकी इसके जो एडिशनल है वो है एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. एंड थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स. Development of secondary sexual characters such as facial hair, such as larynx, comma body hair, aggressiveness, strong muscles, growth of bones, etc. High pitched voice. ठीक है. So this is about human testes. ठीक है समरी. So next we will do next time. बाकी के भी आ जाएंगे. Okay बेटा. Bye bye. Yeah.